नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि DRDO की तरफ से सेप्टम 10 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। जो ITI पास कैंडिडेट है या डिप्लोमा पास कैंडिडेट है या ग्रेजुएट BSc में है, तो उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। DRDO की तरफ से उसके वेबसाइट पर डिटेल वाइज नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इसमें जो ITI पास कैंडिडेट है उनके लिए जो NSC सर्टिफिकेट होता है, क्या उनको वेटेज दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप वाले को या नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप तक अभी तक YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं जो DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ही नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की तरफ से यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यह DRDO का लोगो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यह सेप्टम एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप जैसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का एक न्यू करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेप्टम 10 करके दिया है, यही शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर न्यू आपको देखने को मिलेगा, और डिटेल वाइज नोटिफिकेशन यहाँ पर सून टू बी पब्लिशेस यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट स्टेटस दिखा रहा। तो मैंने यहाँ से डिटेल वाइज नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर क्लिक करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये DRDO की तरफ से 2022 में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो फाइनली हम बिना देर किए आपको डिटेल वाइज नोटिफिकेशन दिखाते हैं, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है DRDO की तरफ से। इसमें दो तरह की वैकेंसी आउट की गई है DRDO की तरफ से, एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और एक ITI वाले बच्चों के लिए निकाला गया है। जो टेक्नीशियन एक एक पोस्ट पर निकाला गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा आपका DRDO की तरफ से जो डिटेल वाइज नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर जो DRDO का अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या क्या रखा गया और ये पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो बताया गया कि आपका जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का होना चाहिए, आपका ITI या जो भी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका 23 सितंबर 2022 तक आपका समस्त आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके अंदर में होना चाहिए। और इसका ओपनिंग डेट जो बताया गया ऑनलाइन अप्लीकेशन का, वो 3 सितंबर 2022 10 बजे से आपका स्टार्टिंग होने वाला है, और इसका क्लोजिंग डेट जो बताया गया है वो 23 सितंबर 2022 को 5 बजे तक यहाँ पर बताया गया शाम को। और जो आपका CBT एग्जाम होना का टीयर फर्स्ट का, वो CBT एग्जाम होगा वो आपको वेबसाइट का DRDO की जो वेबसाइट है उस पर आपको अनाउंस किया जाएगा। आप इसको DRDO की वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है सेप्टम 10 का, यहाँ पर बताया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये। और इसमें दो तरह की वैकेंसी आउट की गई है DRDO की तरफ से। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 1901 पोस्ट की रिक्वायरमेंट निकाली गई है DRDO की तरफ से। इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो निकाली गई है वो, इसमें जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं या BSc कैंडिडेट हैं वो इनके लिए रखा गया है। और जो टेक्नीशियन ए के लिए पोस्ट निकाली गई है जिन्हें टेक ए बोलते हैं, उसके लिए ITI पास कैंडिडेट के लिए मौका दिया गया है यहाँ पर। तो इसके बारे में आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है जो आपका DRDO का फर्स्ट सेक्शन का एग्जाम होने वाला जूनियर सीनियर टेक्नीशियन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं, इनके लिए यहाँ पर बताया गया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी आपका ये पे मैट्रिक जो होने वाला है यहाँ पर 6 लेवल का नौकरी है, और यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो बेसिक होगा आपका 35,400 से 1,12,400 यहाँ पर रखा गया है। 7 CPC मैट्रिक्स के हिसाब से आपका जो पे मैट्रिक्स दिया गया पे स्केल वो होने वाला है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका यहाँ पर बताया गया कि आपका एज 18 से 28 होना चाहिए, और SC ST OBC कैंडिडेट को जो PWEW या ES कैंडिडेट हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने एज के हिसाब से। और नीचे बात करें तो इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पोस्ट कोड जो 0101 के लिए बताया गया है, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर निकाला गया है, वो पोस्ट के लिए आप यहाँ पर BSc अप्लाई किए हैं, और यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और इसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, तो इसके हिसाब से आप अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर 15 वैकेंसी है, तो हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करने वाले हैं। हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं जो ITI कैंडिडेट हैं, ये सभी वैकेंसी जो है डिप्लोमा और BSc कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी वैकेंसी ये डिप्लोमा और BSc कैंडिडेट के लिए है। आप अपने हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो डिप्लोमा कैंडिडेट की जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर है वो 1075 वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है। टोटल वैकेंसी डिप्लोमा और BSc को मिलाकर बताया गया। अब बात करने वाले हैं जो टेक्नीशियन ए के पोस्ट पर ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जो यहाँ पर ITI वाले बच्चों को मौका दिया गया है, वो यहाँ पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पर उनका पे मैट्रिक्स जो ले रखा गया है 19,900 से 63,200 तक का इनका पे मैट्रिक्स रखा गया है। और यह जो जॉब है यह CPC जो 7 CPC मैट्रिक्स के हिसाब से आपको जो कि पे स्केल देखने को मिलेगा, और आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा रूल के हिसाब से। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है एज में वो 18 से 28 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और इसके बाद आपको SC ST OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एज की क्राइटेरिया है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला पोस्ट यहाँ पर जो निकाला गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है ऑटोमोबाइल के लिए है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल में जो वैकेंसी यहाँ पर दिखाया गया है वो आपका ITI होना चाहिए, ऑटोमोबाइल ट्रेड में 10वीं पास हो या इक्विवेलेंट होना चाहिए, और आपका ITI होना चाहिए जो ऑटोमोबाइल ट्रेड में, यानी अगर आपने ITI किया है या SC VT या NC VT से, तो दोनों लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो COE कैंडिडेट है अगर वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या CTS में पास किया है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 5 वैकेंसी यहाँ पर नोटिफाइड किया गया है ऑटोमोबाइल के लिए। और यहाँ पर जो बुक बाइंडर के लिए वैकेंसी आउट की गई है वहाँ पर वैकेंसी की टोटल वैकेंसी 20 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप 10वीं पास हो या इक्विवेलेंट हो या आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए बुक बाइंडर या ऑफसेट मशीन ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया अगर आप इस क्राइटेरिया को इस ट्रेड में आपने ITI किया है या COE हो या CTS हो तो आपको रिलेटेड है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर इन्होंने बताया है कारपेंटर के लिए जो वैकेंसी है वो 10वीं पास होनी चाहिए और आप या तो इक्विवेलेंट हो या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में। यहाँ पर 12 वैकेंसी आउट की गई टोटल, और इसमें आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें बताई गई, आप अपने कैटेगरी वाइज सीटें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो यहाँ पर पोस्ट है वो टेक्नीशियन की है, ग्रुप सी की पोस्ट की वैकेंसी आउट की गई है। और यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी जो है CN 0204 यहाँ पर वैकेंसी के कोड है, पोस्ट कोड है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है CNC ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए CNC ऑपरेटर ट्रेड में। यहाँ पर 9 वैकेंसी आउट की गई है टोटल, इसमें भी आप ITI CTS में स्कीम में हो या COE स्कोप में है तो दोनों लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 9 वैकेंसी आउट की गई, SC VT NC VT दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जो ये वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है कोपा के लिए है, 205 पोस्ट कोड है और कोपा के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जो इसमें बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो और ITI होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है गाइस, यहाँ पर 139 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, टोटल वैकेंसी है। आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें जो वैकेंसी है पोस्ट कोड है 206 यहाँ पर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें बताया गया कि आप 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड में,
आप तो अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 35 वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें जो पोस्ट कोड 208 के लिए जो 207 के लिए वैकेंसी जो यहाँ पर आउट की गई है, उसका आप वैकेंसी है DTP ऑपरेटर के लिए, यानी आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और आप या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है या आप ITI डेस्कटॉप पोस्टिंग ऑपरेटर में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है और यहाँ पर 208 के लिए वैकेंसी पोस्ट कोड है जो इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है और यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो या ITI आपका इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए या वायरमैन ट्रेड में होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, यानी यहाँ पर जो CTS और COI कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल में है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 106 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है और पोस्ट वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी जो है 209 पोस्ट कोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में होना चाहिए या रेडियो एंड TV मैकेनिक्स में होना चाहिए या रेडर मैकेनिक्स या IT इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी जो बात करें तो 113 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 210 पोस्ट के लिए पोस्ट कोड है जो है वहाँ पर बात करें तो फिटर के लिए वैकेंसी आउट किया गया है। यहाँ पर सेम क्राइटेरिया रखा गया है, 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिटर या बेंच फिटर में आपकी ITI है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 127 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है DRDO की तरफ से और नीचे देखेंगे तो 211 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर बताए गए हैं वो आपका ग्राइंडर में होना चाहिए ITI या मशीनिस्ट ग्राइंडर में ITI होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो। 7 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे बात करें तो यहाँ पर जो बताया गया है 212 पोस्ट कोड है, वैकेंसी जो है वो मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है, आपके पास यहाँ पर भी 10वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए या ITI सर्टिफिकेट मशीनिस्ट स्टेट में है और यहाँ पर 89 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी 213 पोस्ट कोड है वहाँ पर डीजल मैकेनिक के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आपका 10वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो और ये आपके पास ITI मैकेनिक डीजल में होना चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट कोड जो पोस्ट है वैकेंसी नंबर वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 214 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है वो आपके लिए मिल राइट मैकेनिक के लिए निकाला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं पास या इक्विवेलेंट होना चाहिए और ITI आपका मिल राइट मैकेनिक में होना चाहिए, आपके लिए 8 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है टोटल वैकेंसी। और यहाँ पर 215 पोस्ट कोड जो वैकेंसी है यहाँ पर मोटर मैकेनिक के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ITI या 10वीं का पास है तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ITI मैकेनिक मोटर में है तो अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है और यहाँ पर देख सकते हैं 206 पोस्ट कोड है, यहाँ पर पेंटर के लिए वैकेंसी आउट की गई है और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया आपके पास इक्विवेलेंट होना चाहिए या 10वीं पास हो या आपके पास ITI सर्टिफिकेट पेंटर में होना चाहिए, टोटल वैकेंसी 3 वैकेंसी आउट की गई है DRDO की तरफ से। और 217 पोस्ट कोड है और जो पोस्ट नेम है वो फोटोग्राफर के लिए वैकेंसी आउट की गई है, यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं जो आप 10वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट है या आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फोटोग्राफर या डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड में, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 11 वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है DRDO की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं 218 नंबर की वैकेंसी जो है वो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो यहाँ पर भी 10वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक या टेक्नीशियन ट्रेड में, यहाँ पर बताया गया है। अब वैकेंसी की बात करें तो 8 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो 209 नंबर की वैकेंसी है वो सीट मेटल वर्कर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर सेम क्राइटेरिया रखा गया, 10वीं पास हो या इक्विवेलेंट हो या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए सीट मेटल वर्कर ट्रेड में। और यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर भी वैकेंसी 14 वैकेंसी आउट की गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं 220 पोस्ट कोड है और वैकेंसी पोस्ट ने में टर्नर के लिए निकाली गई है। यहाँ पर क्राइटेरिया जो रखा गया है एलिजिबिलिटी, वो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो या आप ITI पास हो टर्नर ट्रेड में, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं 221 पोस्ट के लिए वैकेंसी, जो पोस्ट कोड है वो वेल्डर के लिए निकाला गया है। यहाँ पर पोस्ट है वेल्डर, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आप 10वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए या ITI आपके पास वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो पूरी जो ITI कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो 826 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है। यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो आपकी टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो ITI कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है 2022 में DRDO की तरफ से। अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जी जहाँ से तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि DRDO की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है ITI वाले कैंडिडेट के लिए। जो टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है वो आपकी टेक्नीशियन थर्ड पोस्ट के लिए आपके यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अब बात करें जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है इसके बारे में बात करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो यहाँ पर 2 स्टेट में एग्ज़ाम होने वाला है। टायर फर्स्ट CBT एग्ज़ाम होगा और जो टायर सेकंड होगा वो भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि पूरे भारत में आपको 39 जगह पर आपको सेंटर देखने को मिलेगा, तो आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस जगह में आपके नज़दीकी कोई सेंटर है तो आप वहाँ पर सेंटर ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आगरा है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, देहरादून है, न्यू दिल्ली है, NCR में, और गोरखपुर है, गुवाहाटी है, ग्वालियर है। ये इस जगह अगर आपका सेंटर है नज़दीक पड़ता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपना सेंटर ले सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न बताया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पैटर्न ये सिलेबस रखा गया है DRDO की तरफ से, जो टेक्निकल असिस्टेंट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया, आपका 2 एग्ज़ाम होगा, जो आपका 2 होगा, एक पहला आपका टेयर फर्स्ट और दूसरा रखा गया टेयर सेकंड, यानी आपका जो पहला होगा CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आपका नॉन टेक्निकल होगा और जो आपका जो दूसरा CBT एग्ज़ाम होगा वो टेक्निकल आपके ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर रखा गया है। ये रहा आपका जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं और या BSc कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर रखा गया, वो 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क का आपका होने वाला, 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और सेकंड के CBT की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 100 नंबर का मार्क्स, 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का मार्क्स होगा और 90 मिनट की आपकी परीक्षा होने वाली है। आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया। जनरल OBC की बात करें तो यहाँ पर 40% आपको लेना है और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 35 रखा गया है। और वहाँ पर आपकी जो चयन किया जाएगा 1:8 के लिए यहाँ पर रखा गया, यानी एक पोस्ट के लिए आपको 8 कैंडिडेट का सिलेक्ट किया जाएगा और यहीं पर आपको ये सब बताएगा। अब बात करेंगे जो ITI कैंडिडेट यानी टेक्निकल पोस्ट के लिए जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पर सेम क्राइटेरिया यही रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्नीशियन ए के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पर रखा गया है वो बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका टेयर फर्स्ट और टेयर सेकंड में होगा। यहाँ पर एक CBT एग्ज़ाम होगा आपका, जो पहला CBT एग्ज़ाम होगा वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपका पहला CBT एग्ज़ाम जो होगा उसमें 40% मार्क्स आपका टेक्निकल होगा, जिसे सेक्शन ए बोलते हैं, और सेक्शन बी में आपका जो होगा वो 80 क्वेश्चन होंगे जो टेक्निकल होंगे, आपके ट्रेड से होंगे, पूरा टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के होंगे, आपको 90 मिनट की यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिलेगा। और पहला 40 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल होगा, दूसरा आपका टेक्निकल होगा, आपके ट्रेड जो आपका ITI होगा उसके हिसाब से होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी के हिसाब से। और
दूसरा इन्होंने जो टेयर एग्ज़ाम बनाया है वो क्वालिफाई नेचर के हिसाब से होगा, यानी आपको अपने ट्रेन में केवल स्किल टेस्ट देना होगा, उसमें केवल पास होना होगा, वो भी वो जो भी स्किल टेस्ट होगा वो ITI ट्रेड रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेड लिया जाएगा, आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा आपको यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर इन्होंने भी बताया कि CBT जो फर्स्ट है आपको वहाँ पर भी जो रखा गया, जनरल OBC के लिए आपको 40% मार्क्स लाने हैं और SC ST कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स लाने हैं, तभी आपको क्वालिफाई आपका जो चयन होगा वो फर्स्ट टेयर एग्जाम्स के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। और आपका जो कैंडिडेट 1:8 के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा और एक पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, इन्होंने बताया है। इसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। उसमें अभी आप बहुत सारे कैंडिडेट ITI के हैं जो वहाँ से आपकी जो डाउट है वहाँ पर क्लियर होगा। टेलीग्राम पर अगर आप एक दूसरे से अपनी क्वायरीज को शेयर करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।